और आप सभी के लिए जो है 500 क्वेश्चन का जो है संपूर्ण सीरीज लेके आए हैं। तो आप सभी लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो, आप सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए, चाहे आपका टेक्निकल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो है ITI या जो है और सभी जॉब के लिए सरकारी एग्ज़ाम हो, उसको देखते हुए आपका ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का। चलिए आइए देखते हैं जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो समझ लीजिए, यहीं सभी से जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को, ठीक है? और यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी देखिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, जैसे देख सकते हैं लिखा है पहला क्वेश्चन, कोई दुर्घटना होती है। तो जो कोई दुर्घटना होती है वो बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल न की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना। तो इसमें जो है ऑप्शन आपको जो लगेगा, जो दुर्घटना होती है वो बिना कारण जो है, मतलब वो बिना नियोजित कोई उसका जो है एक टाइम पार्टिकुलर नहीं रहता है, ठीक है? और दूसरी चीज़, उसको कंट्रोल भी जो है न की जाने वाली घटना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है थोड़े थोड़े जो है कुछ हम सेफ्टी रख करके, ठीक है? अवांछनीय घटना, तो मतलब इसका जो ऑप्शन अगर देखा जाए, कोई दुर्घटना होती है तो इन सभी के लिए जो है दृष्टि से ये घटना होती है, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसी दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है। निम्नलिखित में से किसी दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है। पहला है मशीन टूल मटेरियल की संपत्ति के खराब होने के कारण खर्च। सेकंड है घाव लगे व्यक्ति के समय खराब होने का खर्च, क्षतिपूर्ति और चिकित्सा सहायता का खर्च। तीसरा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन है प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च। तो दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है तो प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही बनता है, ठीक है ना? नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कार का सुरक्षित तरीका होता है। तो कार का जो सुरक्षित तरीका होता है वो कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका जो है, कार्य का सुरक्षित तरीका होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है। तो दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है पुराने तरीके से कार्य करना, दूसरा है किसी अपने तरीके से कार्य करना, चौथा है जाप मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, तीसरा था चौथा है सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। तो दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है जाप मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, ठीक है? चौथा क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? पांचवा क्वेश्चन आते हैं, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत जो है, पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आराम करने के लिए कहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तीसरा है सहायता प्रदान करनी चाहिए, चौथा है बिना इलाज के पड़ा रहने देना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है हमको, उसकी सहायता करना चाहिए, ठीक है ना? छठा क्वेश्चन आते हैं, किसी तेलीय तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? तो तेलीय फर्श को जो है हम सारडस्ट या रेत डालकर जो है उसको साफ करते हैं। कॉटन वेस्ट से भी नहीं साफ करेंगे, पानी डालकर भी तेलीय फर्श को नहीं साफ कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके भी नहीं साफ कर सकते हैं। उस पे जो है हम सारडस्ट मतलब रेत वगैरह डाल करके उसको साफ कर सकते हैं, तेलीय फर्श अच्छे से साफ हो जाएगा। तो जो है छठे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, आग में मिले होते हैं। आग में जो है, ये क्वेश्चन जरूर समझ लीजिए, जितने क्वेश्चन हम आप सभी को ये बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, आग में मिले होते हैं। तो आग में ईंधन लाइट और ऑक्सीजन पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ईंधन ताप और ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है ईंधन ताप और कार्बन डाइऑक्साइड,
चौथा ऑप्शन है ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन जो है आग में मिले होते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, आग को जो है मतलब आग न लगने पाए तो इसमें से क्या मटेरियल न रहे तो आग से बच सकते हैं। तो इनमें से जो है एक किसी को नहीं रखेंगे, चाहे ईंधन को हटा देंगे, चाहे ताप को हटा देंगे या फिर ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो इस तीनों में से एक चीज़ को हटा देंगे तो आग का कारण नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको चाहे जैसे पेपर में क्वेश्चन बने आप कर लेंगे। आठवां क्वेश्चन आते हैं, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आँखों के बचाव के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग जो है करते समय जो है अपने आँख के बचाव के लिए हमें गहरे रंग के शीशे वाले स्क्रीन प्रयोग करना चाहिए, धूप के चश्मे प्रयोग करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए या साफ शीशे का प्रयोग करना चाहिए। तो आठवां क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो है गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग हमको करना चाहिए, ठीक है। नवे क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए। तो ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए, पहला ऑप्शन है गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन प्रयोग करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है मास्क का प्रयोग करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है धूप के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो ग्राइंडिंग करते समय जो है सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। नवे का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। दसवें क्वेश्चन पे आते हैं, यदि हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होगा तब जो है क्या होगा। तो हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होगा तो पहला ऑप्शन हैमर निकल जाएगा, दुर्घटना हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है वह झटका सहन कर लेगा, ठीक है। उसमें तीसरा ऑप्शन है उसमें स्विंग आसान होगी। चौथा ऑप्शन है वह अधिक लीवरेज देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पहला ऑप्शन आपका है हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना हो सकती है, अगर हैमर जो है हैंडल में ढीला फिट हुआ है तो हैमर निकलेगा और दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है ना। पहला ऑप्शन सही है दसवें का, ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन आते हैं, बचाने वाले श्वास को कितने समय के लिए श्वास को कितने समय के लिए श्वास देने की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 2 सेकंड के लिए, सेकंड ऑप्शन है 1 सेकंड के लिए दिया जाता है, थर्ड है जब तक उसकी मतलब चेस्ट को हम घाती लिखा हुआ है, घाती उठने न लग जाए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है जब तक घाती उठने न लग जाए, उसी को मतलब चेस्ट उठने न लग जाए तब तक सांस देने की आवश्यकता होती है। फोर्थ ऑप्शन है हवा का एक छोटा झोंका। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जब तक उसकी जो है चेस्ट या घाती उठने न लग जाए तब तक हमको श्वास देते रहना चाहिए, कृत्रिम श्वास, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 12वां का, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो जले पे जो है पहला ऑप्शन है कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि क्रीमीज नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है पानी नहीं रखना चाहिए, थर्ड है कोक के बीज के रस से बना मक्खन नहीं रखना चाहिए, और फोर्थ है सूखी ऊसर पट्टी का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जले पर बिल्कुल जो है कोक के बीज के रस से बना मक्खन नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका 12वें का सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो हमने 12 क्वेश्चन आप सभी को बताए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए जल्दी ही जो है क्वेश्चन नेक्स्ट लेके हम आप सभी के बीच आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।